Hello students, welcome to Prades Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. Today, we are going to start a new chapter, playing with numbers. So this one is very easy chapter, and in this chapter, we'll cover a few topics related to numbers. So let's start then. So first, in playing with numbers, we'll start the topic by numbers in generalized form. Now, what we mean by numbers in generalized form? Let's see. A number is said to be in a generalized form if it is expressed as the sum of the products of its digit with their respective place values. Place values kya hoti hain? ये हम सब जी जानते हैं. जनरलाइज फॉर्म में हम किसी नंबर को तब मानते हैं जब हम उसे एज अ सम एक्सप्रेस करते हैं विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्लेस्ड वैल्यूज. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट शायद थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट है बहुत सिंपल सी चीज़. जैसे हम बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा करते थे. हम क्या करते थे? एक नंबर को एक्सपेंड करते थे विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज. वही सेम चीज हम जनरलाइज फॉर्म में भी करते हैं. एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमने एक नंबर ले लिया 527. हम इस नंबर को जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है दिस वन इज वंस प्लेस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू एंड हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू. अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज. कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट डिजिट क्या है, फाइव. हम लिखेंगे फाइव. फाइव की प्लेस वैल्यू क्या है? हंड्रेड. तो हम इसे लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट विद 100. 5 तो हमने लिख लिया. इसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 2. हम लगाएंगे प्लस साइन. देन हम नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू विच इज 10 हियर. सो आई एम राइटिंग हियर 10. नाउ we are left with only 7. So we know that 7 is at 1's place. So we'll write 7 as 7 only, or you can write it as 7 multiplied by 1. So this form is known as generalized form. किसी भी number को जब हम इस तरीके से note down करते हैं, मतलब उसका expanded form जब हम लिखते हैं, तब हम उसे जनरलाइज फॉर्म कहते हैं. क्लियर? नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट इज वन डिजिट नंबर, व्हाट इज टू डिजिट नंबर. पता तो हमें है कि टू डिजिट नंबर क्या होते हैं, फिर भी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सो टू डिजिट नंबर, कंसिडर अ टू डिजिट नंबर हैविंग डिजिट ए एट इट्स टेंथ प्लेस and B at its unit place. Ones place को हम unit place से भी जानते हैं. Two digit number हम सभी को पता है, like 10, 15, 35, ये सब two digit number है. हमने suppose किया है two digit number जिसके tens place पर A है and unit place that is ones place पर B है. This number is 10A प्लस बी. अब हम इसे कैसे लिखेंगे जनरलाइज वे में? 10a प्लस बी. ये आया कैसे? आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा, करेक्ट? वेयर ए कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 1 टू 9 एंड बी कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 टू 9. हमने टू डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म लिया. कैसे लिया? हमें पता है टू डिजिट नंबर में दो ही प्लेस वैल्यूज होती है. वन इज यूनिट्स प्लेस एंड सेकेंड वन इज
टेंस प्लेस। अब जब हम उसे जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो टेंस प्लेस वाली डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, देन विल पुट द एडिशन साइन, देन वी लोड डाउन द यूनिट डिजिट। कैसे? वही हमने लिया था यहाँ पर, ए को हमने लिया था टेंस प्लेस पे, बी को हमने लिया था यूनिट्स प्लेस पे। अब क्योंकि ए टेंस प्लेस पे था इसीलिए हमने उसे मल्टीप्लाई किया 10 से, जिसे हमने शॉर्ट में लिख दिया 10A, प्लस बी यूनिट प्लेस पे था इसीलिए हमने उसे एज इट इज बी लिखा है। अब कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होता है तब हम उसे टू डिजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पर ए कोई भी डिजिट हो सकती है 1 to 9, एंड बी कोई भी डिजिट हो सकती है 0 to 9। यहाँ पर ए जीरो हम इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम ए जीरो लेंगे उससे ये पूरी की पूरी डिजिट जीरो हो जाएगी, मतलब वो नंबर टू डिजिट नहीं रहेगा, देन वो सिर्फ 1 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि ए जो होगा वो हमारा 1 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, एंड बी 0 से 9 तक कोई भी हो सकती है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने लिया है 46, 84, 88। सारे नंबर्स को हम जब जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 46 में टेंस प्लेस पर 4 है इसीलिए हमने लिखा 10 × 4, प्लस यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पर है 6 तो हमने लिखा प्लस 6। इस तरीके से हमने 46 को जनरलाइज फॉर्म में लिखा और ये क्या है, ये है हमारा टू डिजिट नंबर। इसी तरीके से हमने सारे एग्जांपल्स के साथ भी किया है, हमने टू डिजिट नंबर को उसके जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट? Now, after two digit, we are proceeding with 3-digit numbers. 2-digit number तो हमने देख लिए, 3-digit number क्या होते हैं? वैसे हमें पता है कि 3-digit number क्या होते हैं, but इनका generalized form क्या होता है, चलिए देखते हैं। Consider a 3-digit number having A, B, C as its 100 digits, tens digit and units digit, respectively. This number 100A plus 10B plus C, where C, A can be any whole number from 1 to 9, B can be any whole number from 0 to 9, and C also can be any number from 0 to 9. 3-digit number ka generalized form hum likhte hain is tarike se. Yahan par humne ए बी सी 3 digits लिए हैं, जहाँ पर ए hundreds प्लेस पर है, बी tens प्लेस पर है और सी units प्लेस पर है। अब क्योंकि ए hundreds प्लेस पर था इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 100A, बी tens प्लेस पर है तो हमें पता है हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करके हमने इसे लिखा 10B, और C क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर है इसलिए हमने उसे एज इट इज C लिख दिया। ये हो गया हमारा 3-digit नंबर का जनरलाइज्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमने देखा A क्या हो सकता है, A कोई भी नंबर हो सकता है फ्रॉम 1 to 9, कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, बस हम 0 नहीं लेंगे। लेकिन B और C के साथ हम 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब B और C कोई भी डिजिट हो सकती हैं फ्रॉम 0 to 9। क्लियर? सो हियर वी हैव एग्जांपल। सो वी टुक एग्जांपल इज 187। अब 187 को जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे हम? तो हमें पता है 100 प्लेस पर क्या है,
वन, टेंस प्लेस पर है एट एंड यूनिट्स प्लेस पर है सेवन. तो हमने इन डिजिट्स को इनके रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट प्लेस वैल्यू के साथ प्रोडक्ट में लिख लिया है. 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7. इसी तरीके से हमने बाकी सारे नंबर्स को भी इनके जनरलाइज वे में लिखा है. लाइक 965 इज 100 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5. क्लियर टू एवरीवन? ओके, let's solve some questions. So this question is saying that in a two digit number the unit's digit is 4 times the tens digit and the sum of the digit is 10. Find the number. Question humse keh raha hai ki ek two digit number hai jisme unit's digit jo hai wo 4 times hai apni tens digit ke. And एक और कंडीशन हमें दी गई है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो है 10. हमें फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है. कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. सो हमने सपोज किया है लेट द टेंस डिजिट बी एक्स. टेंस प्लेस वाले डिजिट को हमने लिया एक्स. देन द यूनिट्स डिजिट विल बी 4x. क्लियरली हमें बोला गया था क्वेश्चन है वो 4 टाइम्स है अपने टेंस प्लेस डिजिट के. अब हमने टेंस प्लेस डिजिट ली एक्स, तो यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स करेंगे जब हम इसको, तो वो हो जाएगा 4x. तो यहाँ पर टेंस प्लेस हमें डिजिट मिल गई एक्स एंड वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस डिजिट मिल गई 4x. आगे करते हैं. क्या दिया गया था हमें, हमें बोला गई थी सेकेंड कंडीशन में कि इन दोनों ही नंबर डिजिट्स का सम जो है वो है 10. अब हमारी एक डिजिट है एक्स, एक डिजिट है 4x. दोनों का सम कर लेते हैं. हमें पता है वेरिएबल के साथ हम सम कैसे करते हैं. हमें करना है एड एक्स प्लस 4x विच इज इक्वल्स टू 10. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है एक्स प्लस 4x हम कर सकते हैं, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया. इन दोनों को ऐड करके हमें मिला 5x इक्वल्स टू 10. अब यहाँ हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 5. क्लियरली हमें यहाँ x के साथ 5 को हटाना है. 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका रिवर्स ऑपरेशन या अपोजिट ऑपरेशन लगा देते हैं विच इज़ डिवीजन. हमने बोथ इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड कर दिया 5 से. सो व्हेन विल डिवाइड 5x बाय 5 वील गेट x ओनली एंड व्हेन विल डिवाइड 10 बाय 5 वील गेट 2. सो दिस इज हाउ वी केम हियर x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली और x को हम क्या मानकर चले थे, हम मानकर चले थे कि हमारी टेंस प्लेस डिजिट जो है वो है x. मतलब यहाँ हमें हमारी टेंस प्लेस डिजिट मिल गई विच इज 2. अब टेंस प्लेस डिजिट मिल गई, इसके बाद हमें बोला गया था जो वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो 4 टाइम्स है हमारी टेंस प्लेस डिजिट की. तो चलिए वंस प्लेस डिजिट भी फाइंड कर लेते हैं. तो क्योंकि अब हमारी टेंस प्लेस डिजिट 2 है तो हमने किया यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस इज हाउ वी गेट 8. वंस प्लेस डिजिट भी है, टेंस प्लेस डिजिट भी है. नंबर लिख लेते हैं तो हमें पता है अब हमारा नंबर किस फॉर्म में हम लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8. यही होता है हमारा जनरलाइज फॉर्म. तो हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 20 प्लस 8 एंड 20 प्लस 8 इज क्लियरली 28. सो कितना इजी था इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना. सिर्फ हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर रखना है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8. किसी टू डिजिट नंबर की दोनों डिजिट्स का सम है 8. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर. एक टू डिजिट नंबर है, जब हम इसके डिजिट्स की प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो जो नंबर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर जो भी था, रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है वो उससे 18 ज़्यादा है. क्या करना है हमें? फाइंड द ओरिजिनल नंबर. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. हम सपोज करेंगे टेंस प्लेस डिजिट क्या है और वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या है. सो हमने सपोज किया, लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. हमने मान लिया कि टेंस प्लेस डिजिट पर क्या है ए एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट पर क्या है बी. अब हमने ए और बी लिया, इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया था कि दोनों डिजिट्स का सम जो है वो आ रहा है 8, तो हमने इसे एक इक्वेशन में लिख लिया, ए प्लस बी इक्वल्स टू 8. यहाँ से हमें मिल गई एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. अब फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब हमने नंबर फॉर्म किया था, हमने माना था टेंस डिजिट पर है ए, वंस डिजिट पर है बी. लिख लिया हमने उसे जनरलाइज फॉर्म में, तो हम लिखेंगे 10 ए प्लस बी. अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हम कर रहे हैं डिजिट्स की प्लेस को इंटरचेंज, मतलब जो पहले टेंस प्लेस पे था वो अब आ जाएगा वंस प्लेस पे, और वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट आ जाएगी टेंस प्लेस पर. इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर जो बनेगा वो हो जाएगा 10 बी प्लस ए. अब इंटरचेंज करते टाइम ध्यान रखिएगा कि जो पहले नंबर था वो ये था, तो हम इंटरचेंज करने के बाद इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं, उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो रही है. तो अब जो 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा था ए से, वो अब मल्टीप्लाई होगा बी से, क्योंकि जो बी पहले यूनिट प्लेस पे था वो अब आ जाएगा टेंस प्लेस पर. सो इस तरीके से हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10 बी प्लस ए. अब हमारे क्वेश्चन में कंडीशन बोली गई थी कि जो हमारा नया नंबर बन रहा है वो 18 ज़्यादा है हमारे ओरिजिनल नंबर से. इसे लिख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में. अब या तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हम जब दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 18, करेक्ट. तो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया कि जो नया वाला नंबर बन रहा है उसमें से अगर हम पुराने वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 18, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस तो 18 ही था. तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा, 10b प्लस a माइनस 10a प्लस b. डोंट फॉरगेट टू यूज दी ब्रैकेट्स, राइट. सो यहाँ से हमें मिला इक्वल्स टू 18, तो चल ही रहा है. यहाँ से हमने जब इसे सॉल्व किया तो कुछ इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व किया हमने, 10b प्लस a माइनस, व्हेन विल ओपन द ब्रैकेट विल गेट 10a माइनस b इक्वल्स टू 18. सो आफ्टर सॉल्विंग b विथ b वी आर गेटिंग 9b, एंड आफ्टर सॉल्विंग a विथ a वी आर गेटिंग माइनस 9a which is equals to 18. अब दोनों ही वेरिएबल के साथ यहाँ पर 9 है तो हमने उसे कॉमन ले लिया है, तो हमारी इक्वेशन बन रही है 9 within bracket b minus a bracket close equals to
18। अब ये हो गई हमारी, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है बी माइनस ए इक्वल्स टू 2। क्या किया हमने, हमने बोथ साइड 9 से डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई है बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। अब फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है बी माइनस ए इक्वल्स टू 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमने किया दोनों इक्वेशन को ऐड और आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग 2b इक्वल्स टू 10। कैसे आया 2b? चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन थी, इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, बी प्लस बी 2b एंड 8 प्लस 2 10। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग 2b इक्वल्स टू 10। सो नाउ वी ऑल नो दैट वी नीड टू डिवाइड द बोथ साइड बाय 2। सो आफ्टर डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 वी आर गेटिंग b इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पर हमें मिल गई है b की वैल्यू। b की वैल्यू मिल गई है तो हम a भी निकाल सकते हैं। हम किसी इन दोनों में से इक्वेशन का यूज़ करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो पुटिंग b इक्वल्स टू 5 इन 1 वी गेट a प्लस 5 इक्वल्स टू 8। हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमें मिला a प्लस 5 इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, हम 5 को इस साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ ये एडिशन में था तो यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय 5। हमने बोथ साइड 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट हुए एंड 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। सो इस तरीके से हमें मिला a इक्वल्स टू 3। a मिल गया है, b मिल गया है, यही दो हमारे वेरिएबल्स थे जो हम सपोज करके चले थे। तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा? हमें पता है किसी भी टू डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म जो हमने लिखा भी था 10a प्लस b, उसमें a और b की वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिला 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 35। Therefore, the original number is 35. So, इस तरीके के questions को हम कुछ इस तरीके से solve करते हैं. Clear? चलिए एक और question देखते हैं. अभी तक हमने 2 digits के साथ work किया. A 3 digit number, the 100th digit is twice the 10th digit, while the unit's digit is thrice the 10th digit. Also, the sum of its digit is 18. Find the number. हमें क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पर एक 3 डिजिट नंबर है जिसकी 100th डिजिट जो है वो ट्वाइस है इसकी 10th डिजिट से एंड इसकी जो यूनिट डिजिट है वो थ्राइस है इसकी 10th डिजिट से। अब हमें बोला गया है कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो है 18, तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर क्या है। कैसे निकालेंगे? चलिए सपोज करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई एक डिजिट सपोज करनी होगी। अब यहाँ तो 3-3 डिजिट की बात हो रही है, किसे सपोज करें हम? हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कंपैरिजन हमें दिया है या जो हमें रिलेशन दिया है, इसमें दोनों रिलेशन में कौन सी एक चीज़ है जो कॉमन है। अब तक तो आपके माइंड में आ चुका होगा वो क्या है, 10th डिजिट। ये जो 10th डिजिट है ये फर्स्ट रिलेशन में भी है एंड सेकेंड रिलेशन में भी है, तो हम इसे ही सपोज करके चलते हैं। सो लेट द 10th डिजिट बी x।
हमने सपोज किया कि टेंस डिजिट पे क्या है, x है। अब हमने टेंस डिजिट x ले ली है, तो इसके बाद हम अपने बाकी के रिलेशन अप्लाई कर लेते हैं। देन दी हंड्रेड डिजिट विल बी 2x। हमें बोला गया था हंड्रेड डिजिट जो है वो ट्वाइस है टेंस डिजिट की। अब क्योंकि टेंस वाली डिजिट x है तो हंड्रेड डिजिट्स हो जाएगी 2x। सिमिलरली हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी 3x। अब हमारे पास तीनों डिजिट फिलहाल हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमें दिया गया था कि इन तीनों डिजिट का जो सम है वो है 18। उसे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी तीनों डिजिट मींस 2x, x, 3x, इन सभी का जो सम है वो है 18। तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6x, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। इस तरीके से हमें 6x मिला। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 6 वी गॉट x इक्वल्स टू 3। अब हमें यहाँ पर जो हमारी टेंस प्लेस डिजिट थी वो मिल चुकी है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हंड्रेड्स प्लेस फाइंड करनी है, यूनिट्स प्लेस फाइंड करनी है, देन हम अपना नंबर फाइंड कर लेंगे। तो टेंस प्लेस डिजिट है हमारी 3, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6। ऐसे ही यूनिट डिजिट हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 9। फिलहाल तीनों डिजिट हमें मिल गए हैं। हम अपना नंबर फॉर्म कर लेते हैं। अब हेंस द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9। इस सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया तो हमें हमारा नंबर मिल गया 639। इजी था क्वेश्चन, राइट? यस। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स तो देख लिया। नंबर्स के केस में जब हम डिवीजन करते हैं तब कभी कभी ये फाइंड आउट करना हमारे लिए टफ हो जाता है कि गिवन नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। इसे हम थोड़ा सा आज इजी बना लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम जनरली किसी भी नंबर को देख के इन टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है ये इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए सीखते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज बाय 2। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है। आई थिंक ये आपको पता भी होगा कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि वो नंबर अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल है, करेक्ट? 2 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है। हमारा रूल कहता है अगर कोई भी गिवन नंबर जो है उसमें यूनिट प्लेस डिजिट है 0, 2, 4, 6 और 8। इन शॉर्ट अगर वो गिवन नंबर हमारा इवन नंबर है तो वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिए हैं 60, 72, 84, 108। अब हम ये कह सकते हैं कि ये सारे नंबर्स जो है ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। यस, इसका यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट में हमारा यूनिट डिजिट 2 है तो मतलब 72 भी हमारा 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही इस नंबर में हमारे यूनिट डिजिट है 4 एंड नेक्स्ट नंबर में है 8, मतलब ये नंबर दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं। अब हमें सिर्फ फोकस करना है यूनिट प्लेस डिजिट पर।
इसके अलावा उस नंबर के पहले कितनी भी सारे डिजिट्स लिखे हों, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ देखेंगे कि यूनिट्स प्लेस पर हमारे 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, अब हम ये कैसे चेक करते हैं, चलिए सीखते हैं। हमारा रूल कहता है कोई भी गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा जब उसके सारे डिजिट्स का सम, उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसका अगर हम सम निकालें और जो हमें सम मिल रहा है अगर वो सम 3 से डिविजिबल है, मतलब वो गिवन नंबर जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई शायद, है ना? चलिए एग्जांपल से देखते हैं क्या बात हो रही है। यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन है ये नंबर। अब इतना बड़ा नंबर हम कैसे चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? तो क्लियरली हम क्या करेंगे, हम इसके सारे डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। कैसे? अब ऐड करना तो हमें आता है, ऐड कर लेते हैं। 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27। मतलब सारे डिजिट्स को ऐड करके हमें मिला 27। अब हमें चेक करना है कि ये जो 27 है क्या ये 3 से डिविजिबल है? देन यस, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब क्योंकि हमारा जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब हमारा ये पूरा का पूरा जो नंबर था ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ये भी कितना इजी है, करेक्ट? अब हमारे पास कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमें सिर्फ उन सारे डिजिट्स को ऐड करना है, जो भी हमारा सम आएगा सिर्फ उसे चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। बाकी सारे एग्जांपल्स में देखते हैं। अब हमें इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। तो कितना होगा, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31, 31 + 8 39। हमें नंबर मिला 39। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? सो यस, क्लियरली ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। अगेन हम इस सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। सो 2 + 6 8 11 18 18 18 + 5 23. Now 23 is divisible by 3 or not? No, 23 is not divisible by 3, correct? मतलब ये जो नंबर है ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने चेक की 3 की डिविजिबिलिटी, मतलब कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे उन सारे डिजिट्स को ऐड करके। देन हम जो सम आएगा उसे चेक करेंगे कि वो जो गिवन हमारा जो सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल होगा मतलब हमारा जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है। अगर हमारा सम डिविजिबल नहीं है मतलब गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फोर डिजिट नंबर 754x इज डिविजिबल बाय 3। हमें फाइंड करना है कि इस x की जगह हम क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिससे ये जो नंबर फॉर्म हो ये 3 से डिविजिबल हो। ऑल्सो फाइंड ईच नम सच नंबर, वो सारे नंबर्स हमें यहाँ पर बताने भी हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं विद द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज़ करके। अब क्योंकि यहाँ पर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम उसी का रूल अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। सो इट इज़ गिवन दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर हमें बोला गया है कि 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब अभी हमने सीखा कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, तो हमें मालूम है कि अगर हम इसकी सारे डिजिट्स को ऐड करें तो वो जो नंबर फॉर्म होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सारे डिजिट्स का सम किया हमने, सबको ऐड करने के बाद हमें मिला 16+x। अब ये जो सम है ये हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप यहाँ पर x की जगह ऐसी कौन कौन से डिजिट्स रखेंगे जिसे अगर हम 16 में ऐड कर दें तो वो नंबर हमारा डिविजिबल हो जाए। चलिए देखते हैं। सो हमें मालूम है अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 18। 18 3 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट अगर हम 5 पुट करें तो भी ये जो सम आएगा 21, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। मतलब हम यहाँ पर 5 भी पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 8 पुट कर दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा 24। 24 भी हमारा 3 से डिविजिबल है। मतलब हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन तो मिल गया। x की जगह हम 2, 5, 8 तीनों ही ले सकते हैं, इसीलिए हमारा जो गिवन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि x एक डिजिट है तो उसे हम 9 से बड़ा नहीं ले सकते, हम 10 नहीं ले सकते, 11 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सिर्फ एक डिजिट पुट करनी है। इसीलिए 8 के बाद हमें कोई भी और डिजिट नहीं मिलेगा। सारे रिक्वायर्ड नंबर अब हमारे क्या हो जाएंगे, 7542, 7545 एंड 7548। हमारे ये तीनों नंबर्स जो है अब 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं उनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करके। चलिए 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, 3 की पढ़ ली, अब देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आई है तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बहुत ही ईजी होती है। ये भी 3 की ही तरह होती है। देखते हैं। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यही सेम चीज़ अभी हमने 3 के केस में भी पढ़ी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल होगा जब हम उसके सारे डिजिट्स को ऐड करें और जो सम हमें मिल रहा है वो भी 9 से डिविजिबल हो। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है, इसलिए हमने 3 के बाद सीधे 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है। चलिए एग्जाम्पल से चेक करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, हम टेस्ट करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये 9 से डिविजिबल हैं या नहीं।
सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? सारे डिजिट्स का सम। तो सारे डिजिट्स का सम फाइंड किया जब हमने फर्स्ट वाले केस में, तो हमें मिला 27। अब क्या 27 9 से डिविजिबल है? यस, 27 इज डिविजिबल बाय 9। सो वी विल से दैट 27,981 इज डिविजिबल बाय 9। एक नंबर तो चेक कर लिया, चलिए बाकी भी करके देखते हैं। अब बाकी नंबर्स जब हम चेक करेंगे तो हमें मालूम है कैसे करना है। डायरेक्ट करते हैं, हमारा नंबर है 869517। इन सारे डिजिट्स को ऐड करने पर हमें मिलेगा 8+6, 14, 14+9+5+1+7, कितना आ रहा है? 14, 14+9, 23, 23+5, 28, 29 and 36। नंबर मिला 36। क्या 36 9 से डिविजिबल है? यस, 36 9 से डिविजिबल है, मतलब ये जो गिवन नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 9, 3, 7, 5, 4, 6। क्या करना है हमें? इसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है। नाइन प्लस थ्री 12, 12+7, 19, 19+5, 24, then+4, 28, 28+6, 34। 34 डिविजिबल है 9 से? नहीं, मतलब ये जो नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लगभग सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द फोर डिजिट नंबर 51Y3 इज डिविजिबल बाय 9। ऑल्सो फाइंड ईच सच नंबर। सेम तरीके का क्वेश्चन अभी हमने 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ सॉल्व किया था, वही हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। अब हमें चेक करना है कि गिवन फोर डिजिट नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो हमारा जो भी नंबर था हम इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है, और ये 9 से सिर्फ तभी डिविजिबल हो सकता है जब इसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिविजिबल हो। हमने इस सारे डिजिट्स को ऐड किया और हमें मिला 9+y, मतलब y के साथ अब y की जगह अब हमें कुछ ऐसे डिजिट्स पुट करने हैं जिससे जो हमारा रिजल्ट हो वो 9 से डिविजिबल नंबर बन जाए। क्या रख सकते हैं हम? तो हमें पता है कि हम y की जगह 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो खुद एक 9 से डिविजिबल वाला नंबर है। नेक्स्ट, या हम y की जगह 9 पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी डिजिट्स पुट नहीं कर सकते। तो क्लियरली हमें मिला 0 और 9। अब क्योंकि 0 और 9 हमारी वैल्यूज़ हैं, मतलब हमारा जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 5103 एंड 5193।
अब ये दोनों नंबर जो फॉर्म हुए हैं, ये दोनों नंबर ही 9 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, बट अ नंबर डिविजिबल बाय 3 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा, बट इसका रिवर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सही हो। कोई बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 3 से तो डिविजिबल हैं बट 9 से डिविजिबल नहीं है। एक एग्जांपल की बात अगर हम करें, क्लियरली हमें पता है 15 जो है वो 3 से तो डिविजिबल है, वी कैन डिवाइड इट बाय 3, बट 15 9 से डिविजिबल नहीं है। सो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे नंबर्स हमें मिल जाएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है जो भी नंबर 9 से डिविजिबल है वो तो 3 से डिविजिबल हमेशा ही होंगे, बट इसका रिवर्स केस हमेशा सही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हैं बट वो 9 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी तो हम सभी को पता होगी, करेक्ट? कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? तो हमारा रूल कहता है कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट प्लेस पर आदर 0 हो और 5 हो। हमें पता है ऐसे सारे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आता है, वो सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ही इजी है। एग्जांपल्स देखते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी नंबर लिए हैं, और आप जितने भी बड़े नंबर क्यों ना ले लें, हमें सिर्फ देखना है कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 है या नहीं। तो क्लियरली हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है, इन सेकेंड नंबर में 5 मिल रहा है। इसके पहले कोई भी डिजिट क्यों ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये दोनों ही नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। अब अगर हम इन सारे नंबर्स की बात करें, तो इन सारे ही नंबर्स में किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 नहीं है, मतलब क्लियरली ये सारे नंबर्स जो हैं ये 5 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? जैसे अभी हमने 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, उसमें हमने पढ़ा कि नंबर के एंड डिजिट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 और 5। अब क्या यहाँ से आप बता सकते हैं कि 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी? आई थिंक सभी को आंसर मिल चुका है। सो यू ऑल आर करेक्ट दैट 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो हमारा नंबर है उसका एंड डिजिट या फिर यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। हमें 10 का मल्टीप्लिकेशन टेबल भी अगर हम पढ़ें या किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें पता है उसके एंड डिजिट जो है वो 0 ही आएगी। तो मतलब अगर कोई भी नंबर जिसके एंड डिजिट जो है या यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 है, मतलब वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल्स की ज़रूरत हमें है नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं 90, 120, 230, 350, 470 etc, इन सभी के एंड डिजिट जो है यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो है 0। सो क्लियरली वी कैन से दैट ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। सो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कितनी ईजी थी। So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come?
So for this, you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.